हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर डीजे न्यूज़ एंड टेक्नोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त फारुक मुंसली। आज हम बात करेंगे एक एम्पलीफायर की, जो कि अराल्डो ऑडियो कंपनी का एम्पलीफायर है। तो जैसे आपने कमेंट्स करी है कि हमें हैवी एम्पलीफायर की या हैवी वाटेस के एम्पलीफायर की वीडियो आप बना के भेजिए, तो उसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे। तो आज हम बात करेंगे अराल्डो ऑडियो कंपनी के एम्पलीफायर की, जो कि इसका मॉडल नंबर CA200 इसका मॉडल नंबर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना क्या है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ये तो हो गया आपका काम, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप जैसे कि ये देख रहे हैं, ये एक एम्पलीफायर है और काफ़ी हैवी वाटेज का ये एम्पलीफायर है। तो ये जो है, ये मैंने बॉक्स से बाहर निकाल के आपको रख दिया है अनबॉक्सिंग करके, ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपको सिर्फ जो काम की चीज़ है वही देखने को मिले। तो फिलहाल आप बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके कंपनी की, तो कंपनी की बात करें तो कंपनी आप देख सकते हैं अराल्डो ऑडियो कंपनी है, लोगो भी आपको देखने को यहाँ मिलेगा। और मॉडल की बात करें तो मॉडल नंबर CA200 इसका मॉडल नंबर है, BIS से पास हुआ हुआ है और 2 चैनल का ये एम्पलीफायर है। काफ़ी बढ़िया इसकी जो आगे का ये लुक्स भाई बहुत अच्छा है। और ये आप LED देख रहे हैं, ये इंडिकेशन क्लिपिंग की, सिग्नल की, प्रोडक्ट की, एक्टिव की, ये इसकी इंडिकेशन दी गई है। पावर की भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है, इसका जो स्विच है ये सेंटर में है, यानी कि ये प्रोडक्ट एकदम हो जाता है। अगर हम गलत तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या गलत तरीके से चला रहे हैं तो भी इसमें एकदम ट्रिपिंग हो जाएगा। क्लास एक्स का ये एम्पलीफायर है और 2 फैन आप देख सकते हैं इसमें फ्रंट पे लगे हुए हैं। हैंडल काफ़ी मजबूत दिया गया है। और होल की बात करें तो ये होल आपको पेटी में डालने के लिए दिए गए हैं। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, आप देख भी सकते हैं किस तरीके की ये बनी भी बनाया हुआ गया एम्पलीफायर है और काफ़ी बढ़िया मजबूत है। और वेट की बात करें तो वेट इसका करीबन 50 kg के समथिंग या 48 kg के समथिंग इसका वेट होगा, तो काफ़ी बढ़िया है ये। चलिए इसकी बैक साइड की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी वायर की, तो वायर काफ़ी हैवी मजबूत दी गई है और काफ़ी अच्छी है। तो फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ आप देख सकते हैं 25 एम्पीयर का फ्यूज़ है। और आउटपुट की जैसे बात करें तो आउटपुट भी आप देख सकते हैं इसमें डबल आउटपुट दी गई है, यानी कि एक चैनल की अलग, दूसरे चैनल की अलग। और इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, अगर स्पीकोन आप यूज़ कर रहे हो, ये स्पीकोन की है, अगर स्पीकोन अगर यूज़ हो रहे हैं तो आप वायर इसमें कनेक्ट करके आप इसको चला सकते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही रहेगा, बेकार नहीं होगा। और इनपुट की बात करें तो आपको इनपुट के लिए भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, XLR मेल फीमेल दोनों में से कोई से भी आप इसमें लगा सकते हैं। और इसी से ही दूसरे एम्पलीफायर को भी आप अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फ़ैन की, तो फ़ैन 2 फैन बैक साइड में हैं, 2 फ्रंट में, यानी कि 4 फैन का ये सेट है। और अब बात करते हैं इसकी स्विचों की, तो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे से स्विच देख रहे हैं आपको, लेकिन इनका बहुत अहम रोल होता है। तो जैसे कि आप ब्रिज, पेलर, स्टूडियो करना चाहते हैं तो ये जो स्विच है इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सेंसिटिविटी कम ज़्यादा करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डबल क्रॉसओवर है, दोनों का अलग अलग क्रॉसओवर है, तो इसमें से भी आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक पे बेस चला लिया, एक पे टॉप चला लिया। लिमिटर है, ये रहा लिमिटर, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ। लिमिटर का काम ये होता है कि अगर ऑन करके रखेंगे तो सेट अपनी मर्ज़ी से चलेगा, अगर ऑफ़ करके कर देते हैं तो ये सेट आपकी मर्ज़ी से चलेगा। और ग्राउंडिंग की बात करें तो ग्राउंडिंग में जैसे कि हम जनरेटर पे इसको चलाते हैं, और जनरेटर पे चलाने के बाद हल्की सी चेटी टाइप की या झरझराहट टाइप की करंट टाइप का लगती है, तो उसको ऑन कर देंगे तो नहीं होगी वो, इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसको, अब इसको इसका जो अंदर क्या लगा हुआ है क्या नहीं है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसका बैक कवर इसका खोल के आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या स्पेयर पार्ट्स लगा हुआ और क्या नहीं लगा। चलिए इसका आप ढक्कन हटा के आपको दिखाते हैं किस तरीके का सेट बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है और काफ़ी अच्छा है, सेट है, यह हैवी सेट है। आप ट्रांसफार्मर भी देख सकते हैं, प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर है
और फिल्टर की बात करें तो फिल्टर आप देख सकते हैं 12 फिल्टर हैं जो कि डैम्पिंग का काम करते हैं और काफ़ी अच्छा डिजाइनिंग किया गया सेट है ये। चलो मॉक्सफेट की बात कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 यानी कि 24 मॉक्सफेट एक साइड में, 24 एक में। काफ़ी अच्छा इसका जो बनावट है ठीक ठाक दी गई है और काफ़ी अच्छे हैवी जो ये आप देख रहे हैं तोशिबा के ओरिजिनल टाइस्ट लगे हुए हैं, काफ़ी मजबूत तरीके से असेंबल किया गया है। और ट्रांसफार्मर की बात करें, प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर है, काफ़ी हैवी ट्रांसफार्मर दिया गया क्योंकि जो मेन चीज़ होती है ट्रांसफार्मर ही होती है। एच क्लास का ये सर्किट है और जैसे कि मैंने आपको बताई दिया है सारी चीज़ें इसकी आपको ओपन करके दिखा दिया। अब इसकी वाटेज वगैरह और कितने ओम्स पे इसको ऑपरेट करेंगे और कितने वाटेज का है ये आपको मैं बता देता हूँ। 4 ओम पे इसको आपको ऑपरेट करना है, 4 ओम पे इसको आपको ऑपरेट करना है। और वाटेज की बात करें तो इसका जो 11,000 इसका वाटेज है काफ़ी अच्छी वाटेज का है, ये बेस के लिए काफ़ी अच्छा है। और डैम्पिंग की बात करें 1,000 से 1,500 तक का यानी कि इसके डैम्पिंग है क्योंकि जो बेस के नीचे ये होता है वो डैम्पिंग ही होता है, जितना हैवी डैम्पिंग होगा उतना अच्छा आपका बेस की क्वालिटी निकल के आएगी। वाटेज बता दिया मैंने आपको, 4 ओम बता दिया है, 4 ओम पे इसको ऑपरेट करना है और सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं इसका रिप्लाई आपको दूंगा। बाकी आप सोच रहे हैं इसे कहाँ से परचेस करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, 1663 भाईग्राफ प्ले चांदनी चौक दिल्ली से इसको आप परचेस कर सकते हैं। डिस्प्ले पे मैं नंबर और एड्रेस दोनों दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बाकी ऑल इंडिया के अंदर आप इसको कहीं से भी इसको ले सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप इनको कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।